देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले पीटीवी के पहले मर्द एंकर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। नाज़रीन, तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल 5W न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, हम आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले पीटीवी के पहले मर्द एंकर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज़ काफ़ी दिनों से अलील थे। तारिक अजीज़ की तबीयत ख़राब होने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। तारिक अजीज़ ने कई फिल्मों में भी काम किया, वो रुकन कौमी असम्बली भी रहे। उन्होंने 1997 के इलेक्शन में मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान को शिकस्त दी थी। नाज़रीन, हम आपको आगाह करते चलें, मारूफ टीवी मेज़बान तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। निजी टीवी के मुताबिक तबीयत ख़राब होने पर हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। तारिक अजीज़ ने रेडियो से कैरियर का आगाज़ किया। जब 1974 में नीलाम घर शो का आगाज़ किया, वो पीटीवी के पहले एंकर होने का एजाज भी रखते हैं। तारिक अजीज़ 28 अप्रैल 1936 जलंधर बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। जलंधर के अरई घराने से उनका ताल्लुक था। उनके वालिद मियाँ अब्दुल अजीज़ 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर आए थे। तारिक अजीज़ ने इब्तदाई तालीम साहिवाल ही से हासिल की। इसके बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशावराना ज़िंदगी का आगाज़ किया। जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न का क़याम अमल में आया तो तारिक अजीज़ टीवी के सबसे पहले मर्द एंकर थे। तहम 1975 में शुरू किए जाने वाले उनके स्टेज शो नीलाम घर ने उनको शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। ये प्रोग्राम कई साल तक चलता रहा और इसे बाद में बज़्म तारिक अजीज़ शो का नाम दे दिया गया। तारिक अजीज़ हिमाजहत शख्सियत थे। उन्होंने रेडियो टीवी के प्रोग्रामों के अलावा फिल्मों में भी अदाकारी की। उनकी सबसे पहली फिल्म इंसानियत 1967 में रिलीज़ हुई और उनकी दीगर मशहूर फिल्मों में सालगिरह, कसम उस वक्त की, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, हार गया इंसान काबिल ज़िक्र हैं। उन्हें उनकी फ़नी खिदमात पर तमगाए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। तारिक अजीज़ ने सियासत में भी हिस्सा लिया और 1997 में कौमी असम्बली के रुकन बने। तारिक अजीज़ के खून में पाकिस्तान की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। कुछ अरसा कबल उनकी वसीयत को भी बेहद सराहा गया था, जिसमें उन्होंने अपने तमाम असासे पाकिस्तान के नाम कर दिए थे। उन्होंने कहा कि मरने के बाद अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम करता हूँ। वाज़े रहे कि तारिक अजीज़ का शुमार पीटीवी के लेजेंडर्स में होता था। रेडियो पाकिस्तान से अपने सफ़र का आगाज़ करने वाले तारिक अजीज़ को पाकिस्तान का सलाम। 26 नवंबर 1964 को पीटीवी की स्क्रीन पर नज़र आने वाला सबसे पहला चेहरा उन्हीं का था। 1975 में शुरू किए जाने वाले उनके शो नीलाम घर ने उनको शोहरत के बुलंदियों तक पहुँचा दिया था। ताहम ये चमकता दमकता सूरज हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 5W न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए 5W न्यूज़। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.5wnewsofficial.com।